अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा ADP एवरीडे साइंस का टॉपिक है सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है। तो बेसिकली एनिमल किंगडम में एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अगर ब्रॉडली बात की जाए तो। एक कैटेगरी है इनवर्टिब्रेट्स की, जिसमें वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दूसरी तरफ है वर्टिब्रेट्स, यानी कि वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, विच हैव वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर इन वर्टिब्रेट्स की बात की जाए, जो बगैर रीढ़ की हड्डी के जानवर हैं, वो पूरी दुनिया के जो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवर हैं, 95% जो हैं वो इन वर्टिब्रेट्स हैं। इनमें कौन कौन से जानवर शामिल हैं? अमीबा, प्रोटोजोआ, जेलीफिश, वर्म्स, क्रैब्स एंड इंसेक्ट्स। और अगर इन सब में बात की जाए तो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं, हशरात जिन्हें कहते हैं, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े इसलिए क्योंकि ये हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, झील हो, आपको हर जगह पे कीड़े मकोड़े ज़रूर मिलेंगे। इस तरह दूसरी तरफ है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं। तो अब हम बुक से देखेंगे कि हमने इस टॉपिक को किस तरह स्टडी करना है। सबसे पहले देखते हैं एनिमल किंगडम। द एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज। एनिमल किंगडम में तकरीबन 15 लाख स्पीशीज इंक्लूड हैं। एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ से हम करेंगे कि एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू तक, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इनटू टू ग्रुप्स, टू लार्ज ग्रुप्स, ग्रुप्स तक करेंगे आप। ग्रुप्स के बाद आप ये वाली लाइन्स काट दें, ये करने की जरूरत नहीं है। दीज ग्रुप्स आर इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं। दीज आर दोज एनिमल्स विच डू नॉट पोसेस बैक बोन्स, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी ना होने वाले जानवरों की तादाद ज्यादा है। दे आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, अगरचे ये साइज में छोटे हैं लेकिन ये नंबर में बहुत, तादाद में बहुत ज्यादा है। अबाउट 95% ऑफ द होल एनिमल किंगडम इज कम्पोज ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। ठीक है, ये आगे उनकी एग्जांपल्स दी हैं। फिर उन्होंने इंसेक्ट्स को स्टडी किया है, इंसेक्ट्स को बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने बताया है, तो हम इंसेक्ट्स पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स हशरात को कहते हैं। दे हैव एन एक्सटर्नल स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो कि उनकी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। इंसेक्ट्स के बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, यानी कि धड़। एंड द मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में जो इंसेक्ट्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, यानी कि टांगों के 3 जोड़े हैं। टोटल दे हैव 6 लेग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। दे आर न्यूमरस एंड वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। मैंने पहले ही बताया था कि हशरात बहुत तादाद में पाए जाते हैं, वसी तादाद में, क्योंकि वो हर तरह की हैबिटेट में। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ हैबिटेट, फ्रॉम डेजर्ट्स टू लेक्स एंड फ्रॉम सॉइल टू द एयर। और उनका जो सबसे करैक्टरिस्टिक फीचर है इंसेक्ट्स का, द मोस्ट करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स इज देयर एबिलिटी टू फ्लाई, उनके उड़ने की सलाहियत है। इंसेक्ट्स ईट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड हैव वेल डेवलप्ड सेंसेस, उनके सेंस ऑर्गन्स बहुत फुली वेल डेवलप्ड होते हैं, सूंघने की हिस। सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स आर मॉस्किटोज, मच्छर, फ्लीज, मक्खियाँ, ग्रास हूपर्स, आंट्स, चूंटियाँ। और चूंटियों के बारे में तो आपको पता है कि वो बहुत मेहनती इंसेक्ट्स हैं, कलोनीज में रहती हैं। उसके बाद हैं वर्टिब्रेट्स। अब ये दूसरी कैटेगरी हम स्टडी करने जा रहे हैं। वर्टिब्रेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे फिशेस। आप इसमें से इसको ये सारा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखें कि दीज आर दोज एनिमल्स विच पोसेस सेगमेंटल बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम तक करेंगे, उसके बाद फिर आपने यहाँ से इसकी फैमिलीज को डिस्कस करना है। तो फिशेज आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, ये कंसेप्ट आपने मैट्रिक लेवल पर पढ़ा हुआ है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं कि जिनका जो ब्लड टेम्परेचर है, ये जो बॉडी टेम्परेचर है, वो चेंज हो जाता है विद द चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, के सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसके बदलने से उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी, ब्लड का जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है, वो भी बदल जाता है। एंड देयर बॉडीज आर जनरली कवर्ड विद स्केल्स, और स्केल्स के साथ कवर होता है, यानी कि छालदार उनकी स्किन होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, बेशक आप ना करें, दे आर अडेप्टेड टू लिव एंड ब्रीथ इन वाटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं। एंड ऑल दो सम कैन स्पेंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन ड्राई लैंड, और उसमें से कुछ मछलियाँ थोड़ी देर के लिए, लिमिटेड मतलब थोड़ी देर के लिए, वो खुश्की पर भी आ सकती हैं। और आपको पता है कि फिशेज जो है वो गिल्स के जरिए ब्रीथ करती हैं, लंग्स के जरिए नहीं। इसमें उन्होंने डॉल्फिन और प्रोपॉइजिस को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो जस्ट फिशेज तक ही लिमिटेड रख सकते हैं। डॉल्फिन एंड प्रोपॉइजिस आर वार्म ब्लडेड मैमल्स। फिशेज में से सिर्फ डॉल्फिन और प्रोपॉइजिस जो है वो वार्म ब्लडेड हैं मैमल्स, और यहाँ तक करेंगे सिर्फ।
उसके बाद डॉल्फिन्स आर ऑलमोस्ट एज क्लेवर एज ह्यूमंस, ये वाली लाइन कर लीजिएगा, इसके अलावा आप बेशक ना करें। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ। द रेप्टाइल्स आर स्केली, आपको पता है कि उनकी स्किन बहुत खुश्क सी और बहुत सख्त किस्म की होती है। कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट हैं, विच ले एग्स विद हार्ड प्रोटेक्टिव शेल्स, और अंडे देने वाले जानवर हैं। दे सीम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस लाइन को करने की जरूरत नहीं है। स्नेक, सांप रेप्टाइल में इंक्लूड होता है, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, टॉर्टॉइस, कछुए, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, एलिगेटर्स भी मगरमच्छों की ही एक किस्म है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन देयर बॉडीज, ये ज़मीन पर रेंगते हैं, ठीक है, या फिर शॉर्ट लेग्स, या तो इनकी टांगे होती नहीं है या छोटी होती हैं। ऑल रेप्टाइल्स ब्रीथ एयर एंड हैव बैकबोन्स और स्पाइनल कॉर्ड्स, मोस्ट ऑफ, अच्छा ये लाइन करने की जरूरत है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में है तो इट मीन्स कि उनकी वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही। मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ज़्यादातर ये अंडे देने वाले जानवर हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो हैं वो बच्चों को भी जन्म देते हैं। टर्टल्स यानी कि कछुए इनके वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब एम्फीबियंस वो हैं जो खुश्की पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मेंढक। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल्स विच हैव डिसेंडेड फ्रॉम फिशेस, देयर यंग वंस डेवलप इन वाटर। अच्छा ये इनकी ये खासियत है कि ये बच्चे अपने पानी में देते हैं, विच ब्रीथ बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। जब पानी में कोई जानदार रहता है तो वो गिल्स, जानवर स्पेशली वो गिल्स के जरिए ब्रीथ करता है, लंग्स के जरिए नहीं। और जैसे ही फिर मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो खुश्की पे आ जाते हैं इनके बच्चे एम्फीबियंस के। When they are ready to reproduce, they must return to water. Common amphibians include frogs, toads, newts and salamander. ये तकरीबन मेंढकों की ही किस्में हैं। Second last है birds. Students, इससे पहले हम जितने भी पढ़ रहे हैं वो है cold blooded, जैसे reptiles, amphibians और fishes जो है वो cold blooded है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं birds, birds are warm blooded, यानी कि बाहर का temperature अगर surrounding environment का temperature कम या ज़्यादा भी हो जाए, चाहे बाहर ठंड हो चाहे गर्मी हो, लेकिन birds का temperature कम या ज़्यादा नहीं होता, उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। बर्ड्स डिसेंडेड फ्रॉम रेप्टाइल्स एंड ले शेल्ड एग्स, आपको पता है कि परिंदे जो है वो अंडे देते हैं। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के पर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पर रखने वाले, पर होने के बावजूद वो उड़ें भी, जैसे हैन जो है वो बहुत लिमिटेड फ्लाई करती है। और इसके अलावा शुतुरमुर्ग जो है वो रनिंग बर्ड्स में इंक्लूड होता है, यानी कि ऐसे ऐसे परिंदे के जो पर होने के बावजूद उड़ नहीं सकते। कीवी भी रनिंग बर्ड ही है, वो फ्लाइंग बर्ड नहीं है। बर्ड्स हैव अडैप्टेड टू फीड ऑन ऑल मैनर्स ऑफ फूड, और बर्ड्स जो है वो तकरीबन हर तरह का खाना खा लेते हैं, उसमें दाना भी हो सकता है, गोश्त के टुकड़े, कीड़े मकौड़े। लास्ट जो इसकी कैटेगरी है रेप्टाइल्स की वो है मैमल्स की। मैमल्स कहते हैं थनदार जानवरों को, यानी कि ये बच्चों को जन्म देते हैं और फिर दूध पिलाते हैं। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, बर्ड्स की तरह ये भी वार्म ब्लडेड हैं। जैसे कि हम इंसान जो हैं, अगर बाहर सर्दी हो जाए तो हमारी बॉडी शिवर होना शुरू कर जाती है, ताकि हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा हम सर्दियों में जैकेट्स, स्वेटर्स वगैरह पहन के अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। अगर हमारे पास वूलन क्लोथ्स ना भी हो तो हमारे अंदर जो शिवरिंग का मैकेनिज्म है, कांपने का मैकेनिज्म है, वो हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसी तरह अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमारी बॉडी में पसीना आना शुरू हो जाएगा स्किन के जरिए, तो पसीना आने से हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एयर ब्रीथिंग वर्टिब्रेट एनिमल्स विच सकल देयर यंग वंस, यंग मैमल्स आर नरिश्ड ऑन मिल्क सिक्रेटेड बाय देयर मदर्स मेमोरी ग्लैंड्स, ये बच्चों को दूध पिलाती हैं जो माएँ होती हैं। मोस्ट मैमल्स बेयर लाइव यंग वंस बट सम ले एग्स, लेकिन कुछ मैमल्स जो है वो बच्चे देने, बच्चे पैदा करने के साथ साथ अंडे भी देती हैं। ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो एलिफेंट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं और मंकीज एंड टाइगर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।